हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल बीइंग परसिस्टेंट। आज जो है हम मैनेजमेंट का, जो कल एक वीडियो लिया था जिसमें हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट देखे थे, आज उसके आगे का एक टॉपिक जो कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। ठीक है, उसमें हम ऑर्गेनाइजेशन की डिज़ाइन कैसी होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये सब जो है ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, सो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन, हमें नाम से क्या पता चलता है कि जो भी हमारा पर्टिकुलर कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो भी स्ट्रक्चर है, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स आएंगे, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट अलग आएगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ठीक है, और जो सिक्वेंशियल ऑर्डर होगा जो अथॉरिटी का, तो वो भी इसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, सो जिसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन। ओके, सो यहाँ पे भी जैसे बताया गया कि इट इज़ द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस विच अलाइंस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। ये जो भी स्ट्रक्चर बनाया गया है, तो ये ऐसे ही नहीं, तो एक पर्टिकुलर गोल, जो ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्टिकुलर एम है, ऑब्जेक्टिव है, वो अचीव करने के लिए, जैसे फिर वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ही होता है मोस्टली। ठीक है, सो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का अगर ऑब्जेक्टिव हो, तो इस तरह से अलग अलग ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, सो जिसमें रोल्स आते हैं अलग अलग, स्ट्रक्चर आता है, प्रोसीजर्स आते हैं, सिस्टम एंड वर्क फ्लो। ठीक है, मतलब अलग अलग पोजीशंस दी जाती है, और एक से दूसरा, दूसरे से तीसरे की तरफ वो जो वर्क फ्लो है वो चलता रहता है। एंड इसमें जो है वो बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, तो वो किसके बेस्ड पे होता है, तो ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट ने अलग अलग पॉलिसीज दी रहती है अलग अलग कंपनीज़ के रिलेटेड, जैसे कि कंपनीज एक्ट 2013, जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है, इस तरह से अलग अलग कंपनीज से रिलेटेड एक्ट्स बने हुए हैं, तो उसके बेसिस पे ये सब स्ट्रक्चर जो होता है वो एस्टैब्लिश्ड होता है। और सो इसमें लॉ की भी ज़रूरत होती है, मतलब लॉज फॉलो करने ही पड़ते हैं, प्रिंसिपल्स, देन ऑपरेशंस, गवर्नेंस, मतलब कि कैसे जो ओवरऑल कंडक्ट है बिजनेस का वो कैसे होना चाहिए, पीपल, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स एंड रेगुलेशंस। अगर ये जो ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन है वो प्रॉपर वे से ना हो, मतलब जो स्ट्रक्चर है वो अच्छी तरीके से अगर ना हो, तो उसमें क्या होगा, फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो स्पेसिफिक टाइम में कंप्लीट नहीं कर पाएगी। ठीक है, सो जो ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन है, तो वो हमें किसके लिए काम आता है, कि ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, कस्टमर के माइंड में हमारा ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, हमारी गुडविल क्रिएट करने के लिए। ठीक है, हमारा जो कस्टमर बेस है वो बढ़ाने के लिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को लार्ज स्केल पर ले जाने के लिए। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है, तो अभी इसमें ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन में कौन से एलिमेंट्स आते हैं स्पेशली। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क स्पेशलाइजेशन, मतलब कि जो भी आपका सपोज ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे आप क्या करते हो, अपना प्रोजेक्ट या फिर जो भी कुछ काम है वो डिसाइड करते हो, उसको प्लान करते हो, उसके हिसाब से। अभी प्लान तो किया, लेकिन वो काम किस किस को अलॉट किया जाना चाहिए, ये होता है स्पेशलाइजेशन। मतलब कि उनके स्पेसिफिक स्किल के हिसाब से वो जो काम है पूरा, वो क्या किया जाता है, अलॉट किया जाता है, क्योंकि उसकी वजह से वो जो बंदा है, तो उसका स्पेशलाइजेशन होगा, उसमें उसका एक्सपर्ट नॉलेज होगा, उसके पास वो स्पेशलाइज्ड स्किल्स होंगे, और जो काम है वो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे पाएगा। ठीक है, अगर जिसके पास स्किल नहीं है और एक ही काम आप सारे लोगों को अगर डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो इससे क्या होगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा, उनके पास ट्रेनिंग नहीं है, स्किल्स नहीं है उस काम को करने के लिए, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा और जितना आउटपुट हमें चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। सो डिवाइडिंग वर्क टेक्स अमंग डिफरेंट जॉब्स एंड असाइनिंग देम टू डेफिनेट लेवल्स इज द रोल ऑफ वर्क स्पेशलाइजेशन एलिमेंट्स। ओके, आई होप आपको स्पेशलाइजेशन का जो मतलब है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज डिपार्टमेंटलाइजेशन। यहाँ पे अभी डिपार्टमेंटलाइजेशन मतलब क्या, कि हमने काम का तो स्पेशलाइजेशन कर दिया, कि सपोज अकाउंटिंग में ये पर्टिकुलर पर्सन जो है वो क्या है, क्वालिफाइड है, या फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट में ये काम कर सकता है। ठीक है, इस तरह से लोगों का स्पेशलाइजेशन देख के हमने उनको वो वर्क अलॉट किया। डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब क्या, कि अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स है, मतलब पूरा उस डिपार्टमेंट में जितने लोग काम कर रहे हैं, तो वो जो डिपार्टमेंट है तो वो वही पर्टिकुलर काम करेगा। अभी ये जो डिपार्टमेंटलाइजेशन है, ये अलग अलग बेसिस पे होता है, जैसे कि फंक्शनल, मतलब वो कौन सी एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है, देन प्रोडक्ट, किस टाइप का प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, देन मैट्रिक्स,
देन ज्योग्राफी एंड कस्टमर, इस तरह से वो डिपार्टमेंटलाइजेशन जो है वो अलग अलग बेसिस पे होता है, ठीक है। ये स्मॉल हो सकता है, लार्ज स्केल पे हो सकता है, ओके। सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अभी इसमें जो है इट इज़ हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो है यहाँ पे एक ही लेवल होती है और यहाँ पे ही अलग अलग डिपार्टमेंट्स की जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टलाइजेशन। अगर वर्टिकल होगा तो ऊपर की अथॉरिटी की तरफ से नीचे, मतलब ऐसे होगा वर्टिकल, मतलब टॉप मैनेजमेंट जो होगा वो डिपार्टमेंटलाइजेशन करेगी, बट यहाँ पे जो है वो हॉरिजॉन्टल लेवल पे, सेम लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे डिपार्टमेंट। यहाँ पे है चेन ऑफ कमांड। चेन ऑफ कमांड का मतलब क्या कि चेन, मतलब कि जो ऑर्डर्स है, इंस्ट्रक्शंस है, कमांड्स है, तो वो किस पर्सन से किसकी तरफ जाएगा, इसको हम बोलेंगे चेन ऑफ कमांड। तो ऑब्वियसली जो हाईएस्ट अथॉरिटी होगी या फिर टॉप मैनेजमेंट होगा वो ही क्या देगा, जो ऑपरेटिंग लेवल पे जो एग्जीक्यूटिव्स है, क्लर्क्स है, एम्प्लॉयज़ है, ठीक है, वर्कर्स है, तो इनको क्या देगा, अथॉरिटी देगा। तो ये हायरार्कियल लेवल में चलता है, जैसे कि जो टॉप मैनेजमेंट है वो डायरेक्टली वर्कर को ऑर्डर नहीं देता है, इसके लिए प्रॉपर चेन होती है। जैसे कि हम इकोनॉमिक्स में देखते हैं कि जो रॉ मटेरियल का सप्लाई जो होता है या फिर कंज्यूमर की तरफ जो प्रोडक्ट पहुंचाया जाता है, तो डायरेक्टली वो मैन्युफैक्चरर से कस्टमर की तरफ नहीं जाता, ये रेयर केस में होता है, बट मोस्टली वहाँ पे चेन क्या होती है, पहले मैन्युफैक्चरर आएगा, बाद में होलसेलर आएगा, रिटेलर, एंड देन फिर कंज्यूमर। तो यहाँ पे भी सेम चेन होती है, पहले टॉप मैनेजमेंट आएगा, फिर मिडल मैनेजमेंट के लोग आएंगे, बाद में जो लोअर लेवल मैनेजमेंट आएगा, एंड देन ऑपरेशनल लेवल, मतलब जो एक्चुअल ऑपरेट कर रहे हैं मशीनरीज या फिर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं वो ऑपरेटिंग लेवल आएगा। तो इस तरह से जो है ऑर्डर्स का फ्लो चलता रहेगा। सो दैट इज़ वाई वी कैन कॉल इट एज चेन ऑफ कमांड, ओके। सो टॉप लेवल टू लोअर लेवल इंडिकेट अबाउट हु गिव्स द कमांड टू whom, इट शोज़ हु रिपोर्ट्स टू whom, मतलब कौन किसको रिपोर्ट करेगा, जो भी टास्क उसने कंप्लीट किया है तो वो किसको रिपोर्ट करेगा। सो हमने देखा ऑपरेटिंग लेवल किसको रिपोर्ट करेगी, लोअर लेवल मैनेजमेंट को, लोअर लेवल मैनेजमेंट मिडल को, एंड मिडल टॉप को करेगी, ठीक है। देन एम्प्लॉयज़ नो दैट व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ देम, मतलब इससे क्या पता चलता है कि एम्प्लॉयज़ को पता चलता है, अगर उनको कुछ डायरेक्शन ही ना दिया जाए, कमांड ही ना दिया जाए, तो उनको कैसे पता चलेगा कि हमको एग्जैक्टली क्या काम करना है। सो उनको एक डायरेक्शन मिलता है, उनसे क्या एक्सपेक्टेड है, कितना आउटकम देना है, वो उनको क्लियर हो जाता है, ठीक है। सो चेन ऑफ कमांड आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फॉर्मलाइजेशन। फॉर्मलाइजेशन मतलब कि जैसे जो भी हमारा वर्क स्ट्रक्चर है या फिर जो भी वर्क एनवायरनमेंट है, तो फॉर्मल मतलब क्या कि जहाँ पे सारे रूल्स फॉलो किए जाने चाहिए, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से क्या होना चाहिए, हमारा सारा काम होना चाहिए। अगर उसमें कुछ मिसमैनेजमेंट हुआ तो ऑब्वियसली हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव, उसको हमें अचीव करने के लिए देर हो जाएगी। सो फॉर्मलाइज तरीके से अगर हम जाएंगे, सो इसमें होता है कि सेट स्टैंडर्ड्स एंड रूल्स, टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स, मतलब एक पर्टिकुलर काम करने के लिए आपको कौन से स्टैंडर्ड्स, कौन सी टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए, जिससे आपका टाइम जो है वो सेव हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिल सके, ठीक है। देन इट फोकसेस ऑन स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब स्पेसिफिकली स्टैंडर्डाइजेशन, काम का जो स्टैंडर्ड है वो आप किस तरह से कर रहे हो, ठीक है। मतलब एक अगर सपोज एक घंटे का काम करने के लिए अगर आपको 5 घंटे लगेंगे, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके काम की टेक्निक में कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। सो टॉप मैनेजमेंट ये वेरीफाई करता है, इंस्पेक्शन करता है, ठीक है, कौन से काम के लिए कौन सा कितना टाइम जा रहा है, और ये सब वेरीफाई करके उनको एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड दिए जाते हैं, टेक्निक्स कौन से यूज़ करनी चाहिए इसके बारे में ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। इट हेल्प्स टू गेट कॉन्स्टेंट एंड आइडेंटिकल आउटपुट, जिसकी वजह से कम ज़्यादा आउटपुट ना आते हुए हमको एक कॉन्स्टेंट, मतलब रेगुलर बेसिस पे उतना ही आउटपुट या फिर उससे ज़्यादा आउटपुट हम क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं, ठीक है। सो स्पेसिफिक ड्यूटीज़ स्पेशलाइज्ड पर्सन को, जिसको वो टेक्निक, वो मशीन, उसके वो मशीन को हैंडल करने के जो स्किल्स है वो उस पर्सन के पास अगर हो, तो टॉप मैनेजमेंट क्या करेगा, उसी पर्सन को वो स्पेशलाइज्ड जो टास्क है वो अलॉट करेगा इन अ फॉर्मल मैनर। नेक्स्ट इज स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब जैसे अभी यहाँ पे डायग्राम में आपको समझ में आ जाएगा कि सपोज एक कंपनी में एक प्रोजेक्ट पे एक मैनेजर काम कर रहा है, उसकी टीम है, ठीक है। सो उसके टीम में जो है दो ही लोग है सिर्फ, ठीक है। सो इसको क्या हम बोलेंगे, नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल नैरो क्यों, क्योंकि उसके जो
अंडर जो भी लोग हैं वो कम हैं, बहुत कम हैं। सो इसके लिए हम उसको बोलेंगे नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। बट उसके उल्टा अगर ज़्यादा लोग उसके अंडर हो तो उसको हम बोलेंगे वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, मतलब वो कितने लोगों को लीड कर रहा है, इसको हम बोलते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। ओके, सो हम इसमें देख सकते हैं कि नैरो स्पैन ऑफ कॉजेस वर्टिकल स्ट्रक्चर, मतलब इसको हम वर्टिकल बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल, एंड प्लस इसको हम टॉल स्ट्रक्चर भी बोला जाता है और इसको फ्लैट स्ट्रक्चर बोला जाता है, क्योंकि एक ही मैनेजर के अंडर कितने हैं, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, सो इसको हम फ्लैट बोलेंगे। सो ये कंसेप्ट याद रखिएगा। उसके बाद है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। टॉप मैनेजमेंट के पास भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो ऐसा भी हो सकता है कि जिस टाइम पे उनके अप्रूवल की, डिसीजन के लिए उनके अप्रूवल की ज़रूरत है, वो उस वक्त अगर अवेलेबल ना हो और डिसीजन लेने की बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा क्या हो सकता है, डिसीजन लेने में जो है डिले हो सकता है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर काम पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। सो टॉप मैनेजमेंट क्या करता है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, पर्टिकुलर काम के बारे में उसको कुछ डिसीजंस अगर ऐसे लेने हो तो उसको वो अथॉरिटी दी जाती है। ठीक है, सो इसको हम बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। टॉप मिडल को देती है, मिडल लो को देते हैं, एंड लो ऑपरेटिंग को देते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ, अभी इसमें कुछ टाइप्स है जिसमें जनरल डेलीगेशन, फॉर्मल डेलीगेशन, इनफॉर्मल डेलीगेशन, लैटरल डेलीगेशन। फॉर्मल में फॉर्मल टाइप से होता है, इनफॉर्मल में इनफॉर्मल वे से अथॉरिटी जो है वो डेलीगेट की जाती है कि हाँ भाई आप इस पे डिसीजन ले सकते हो। उसके बाद है लैटरल डेलीगेशन, रिजर्व्ड अथॉरिटी एंड डेलीगेटेड अथॉरिटी। ये सारे जो है वो अथॉरिटी के टाइप्स हैं। ठीक है, उसके बाद है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन अभी यहाँ पे जैसे देखा आपने कि डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि टॉप मैनेजमेंट हर वक्त उनको ऑर्डर नहीं देगा। ठीक है, जो भी डिसीजंस है, जो भी डिस्कशन है, तो वो किन में होगा, सिर्फ स्टाफ में होगा। ओके, इट रेफर्स टू डिग्री टू विच अथॉरिटी इज डेलीगेटेड टू लोअर लेवल। इट इज़ कंसिडर्ड एज गोल्डन काफ। इसको क्या बोलते हैं, गोल्डन काफ ऑफ मैनेजमेंट फिलोसॉफी ऑफ न्यू एरा। डिसेंट्रलाइजेशन इज सिंपली मैटर ऑफ डिवाइडिंग अप मैनेजरियल वर्क एंड असाइनिंग स्पेसिफिक ड्यूटी टू वेरियस एग्जीक्यूटिव स्किल्स। स्किल के हिसाब से ड्यूटी जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी या वर्क जो है, टास्क जो है, वो अलॉट करना एम्प्लॉयज़ को उनके स्किल्स के हिसाब से। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, कॉस्ट सेंटर, रिवेन्यू सेंटर, कॉन्ट्रीब्यूशन सेंटर एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर आर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ डिसेंट्रल। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की उनको क्या क्या टास्क दिए गए हैं। ठीक है, प्रॉफिट सेंटर मतलब कि वो जो सेंटर है, मतलब वो जो आप बोल सकते हो एक यूनिट है, तो वो प्रॉफिट का जो है कैलकुलेशन करेगा। कॉस्ट सेंटर कितना खर्चा हो रहा है, उसका कम से कम खर्चा हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, कैसे हमारा खर्चा बच जाए, बजट के बारे में जो भी चीज़ें हैं, तो वो कॉस्ट सेंटर में देखी जाती है। रिवेन्यू सेंटर, कितना रिवेन्यू हम हुआ है, कॉस्ट के हिसाब में हमें रिवेन्यू कितना होना चाहिए, ये सब रिवेन्यू सेंटर में देखा जाता है। कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब क्या कि जो सेल्स है हमारा, टोटल सेल, उसमें से हम अगर वेरिएबल कॉस्ट अगर माइनस करेंगे तो उनका जो डिफरेंस आएगा वो हमारा होगा कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जितना ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन उतना ज़्यादा प्रॉफिट। ओके, एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर आर सम ऑफ टाइप्स। इन्वेस्टमेंट सेंटर की हमने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट की है और उसके बदले में हमें क्या क्या कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो इतने सारे जो है डिसेंट्रलाइजेशन के जो है टाइप्स है। ठीक है, उसके बाद सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब कि सेंट्रल जो अथॉरिटी है वो क्या करेगी, सारे लोगों को ऑर्डर्स देगी। ओके, मतलब हर एक जो डिसीजन है वो हमें टॉप मैनेजमेंट से अप्रूवल लेके ही फाइनल करना होगा, उसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल आरबीआई। आरबीआई क्या है, एक सेंट्रल बैंक है जो क्या करती है, देश में जितनी सारी बैंक्स हैं तो उनको इंस्ट्रक्शंस देती है, रूल्स देती है, लॉज प्रिंसिपल्स देती है, जिसके हिसाब से हर एक बैंक को क्या करना होता है, अपना फंक्शनिंग जो है वो करना पड़ता है। उसी तरह से आप बोल सकते हो कि ये जो है वो है आरबीआई, एंड जो ये बाकी सारी बैंक्स हैं वो क्या है, अलग अलग, जैसे कि एसबीआई, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, देन पीएनबी। तो इस तरह से मतलब कि सेंट्रल अथॉरिटी क्या करेगी, बाकी सारे एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर्स देगी। सेंट्रलाइजेशन इम्प्लाइज मेजोरिटी ऑफ डिसीजंस हैविंग टू डू विथ वर्क बीइंग परफॉर्म्ड आर नॉट मेड बाय दोज डूइंग द वर्क। मतलब जो डिसीजंस है वो यही लोग नहीं लेंगे, तो सेंट्रल बैंक की अथॉरिटी को पूछ के लेंगे। ठीक है,
पावर्स एंड अथॉरिटी आर कॉन्सेंट्रेटेड एट टॉप लेवल ओनली एंड टॉप मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग की डिसीजंस विच आर टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय लोअर डिपार्टमेंट्स। इन शॉर्ट आप ये समझ के ले लो कि डिसेंट्रलाइजेशन मतलब अपने जो डिसीजंस है की डिसीजंस वो एम्प्लॉयज़ या एग्जीक्यूटिव्स ले सकते हैं, बट सेंट्रलाइजेशन में हमें हमेशा टॉप मैनेजमेंट की क्या लेनी पड़ेगी, राय लेनी पड़ेगी। आई होप आपको आज का भी जो वीडियो था वो अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कीप वॉचिंग, स्टे सेफ।